प्रशांत कहाँ से हो? झारखंड से। अभिनव ड्राइविंग स्कूल के मतलब जिसने नींव डाली थी विक्रम सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ड्राइवर फैक्ट्री जो ड्राइवरों की जन्मस्थल कही जाती है उसकी उन्होंने नींव डाली, जिनकी मदद से आज हम मतलब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएँ दे रखी है। और दूसरे नंबर पर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के ट्रेनरों के जो सुबह से लेकर के रात के 7 बजे तक वो मतलब कि दिन भर हमारे साथ बैठ करके वो करवाते हैं इकटवाते ये मतलब कि ट्रेनिंग करवाते हैं। अभिनव मोटर ड्राइविंग फैक्ट्री एक और सबसे बढ़िया ड्राइविंग सेंटर है, एक लेवल का ड्राइवर बना देते हैं यहाँ पे। वेस्ट बंगाल से मैं तो कभी भी गाड़ी नहीं चलाया था, फर्स्ट टाइम इधर आकर स्टीयरिंग पकड़ा हूँ कल। तो कल थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन इधर का जो ट्रेनर है मुझे गाइड करके आज थोड़ा बहुत मैं चला ले रहा हूँ। और जो बुलेरो है और पिकअप है वो मैं चला ले रहा हूँ। ऑप्टिकल 8 ऑप्टिकल और जो H ऑप्टिकल होता है वो क्लियर कर लिया अभी। अब ड्राइवर को कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंजन के पार्ट पुर्जों के बारे में, अपनी गाड़ी के रख रखाव के बारे में, गाड़ी की फर्स्ट परेड और लास्ट परेड के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए इधर आया हूँ और इधर LMV और HMV फुल बढ़िया व्हीकल है, सारे बहुत ही ज़्यादा व्हीकल है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ बढ़िया ग्रुप वाइज सिस्टम चलता है और अच्छी तरह से गाड़ी चलाने को मिलती है, बढ़िया टाइम मिलता है, ट्रेनर भी बढ़िया है और यहाँ मिनी बस भी आई हुई है जिस प्रकार दिल्ली पुलिस के लिए बताया गया है कि राजपूत महाराष्ट्र। यूट्यूबला बघितलं की अभिनव मोटर ड्रायविंग स्कूल भारतात एक नंबरचं ड्रायविंग सेंटर आहे आणि इथून आतेच, त्यामुळे मी डायरेक्ट डिसिजन घेतलं की लवकरात लवकर SSB तिकीट जारी होणार आहेत, म्हणून मी डायरेक्ट सरळ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मास्टर सिलेंडर है, ये ब्रेक ऑयल कंटेनर है। कहने का मतलब जब पावर ब्रेकिंग सिस्टम की हम बात करें तो उसमें पावर ब्रेकिंग सिस्टम में एक ब्रेक आता है हाइड्रोलिक ब्रेक, पहले उसके अंदर वो प्रेशर जाता है, वो प्रेशर उसको पहुंचता है तो वो ब्रेक शू को फैला देता है जिससे आपके ब्रेक लग जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंजन के अंदर जो कलपुर्जे होते हैं सभी को चलाने का जो दायित्व होता है इसी के पास में होता है।